हेलो स्टूडेंट्स आई एम निधि योर साइंस टीचर टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर नाइन डेट इज़ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। व्हाट इज हेरिडिटी हेरिडिटी मीनिंग ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी एंड जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी जीन ही जो होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं एंड वॉट इज इवोल्यूशन इवोल्यूशन अराइजिंग ऑफ न्यू ड्यू टू ऑफ वेरिएशन वेरिएशन का एक्मुलेशन होने से न्यू स्पीसी का बनना ही क्या है इवोल्यूशन वॉट इज वेरिएशन वेरिएशन मीन्स वैन करेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन सम डिफरेंसेज आकर दैट इज कॉल्ड वेरिएशन कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं जब करेक्टर्स अपनी एक जनरेशन या हम कहें पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग और वी कैन से प्रोजाइनी में जाते हैं तो थोड़े बहुत कुछ डिफरेंसेस भी आते हैं जिनको हम क्या कहते हैं वेरिएशन देर आर टू टाइप ऑफ वेरिएशन सोमेटिक वेरिएशन एंड गैमेटिक वेरिएशन सोमेटिक वेरिएशन टेक्स प्लेस इन बॉडी सेल्स एंड दे नेवर इन्हीरिटेड एंड गैमेटिक वेरिएशंस आर अकर्स इन गैमेट्स एंड दे इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन ठीक है ये हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था फिर हमने देखा था मिंडल का जो एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने किया गार्डन पी पर जिसको हम पाइसम सेटाइवम भी कहते हैं उन्होंने गार्डन पी का चूज़ इसलिए किया था बिकॉज इट हैज़ सम कैरेक्टर्स लाइक शॉर्ट लाइफ स्पैन इनका लाइफ स्पैन छोटा होता है दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड दे कैन सेल्फ पॉलीनेटेड एंड क्रॉस पॉलीनेटेड ऑल्सो एंड दे आर सेवन कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स उनमें कुछ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स थे लाइक टॉल डॉवार फ्लावर का कलर पर्पल व्हाइट एट्सेट्रा ही हमने डिस्कस किया था प्रीवियस पार्ट में देन हमने डिस्कस की थी सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स लाइक क्रोमोसोम्स जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस में प्रेजेंट है एंड दे कंटेन जीन विच रेस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन इन बॉडी जीन रेस्पॉन्सिबल है बॉडी में किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए दैन हमने डिस्कस किया वॉट इज एल एल एले आर अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर हम टॉलनेस के लिए देखें तो दो एल हैं कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इस तरह से एक जीन की दो फॉर्म होती है जिसे हम एलेल कहते हैं देन वी डिस्कस होमोजाइगसपेयर एंड हैट्रोजाइगसपेयर होमोजाइगस पेयर जिसमें बोथ एल एल आर सेम दोनों एल एल या तो कैपिटल होंगे या स्मॉल होंगे एंड इन हेट्रोजाइगस एलल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप दैन वी डिस्कस डोमिनेंट करेक्टर एंड रिसेसिव करेक्टर डोमिनेंट करेक्टर आर दोज विच एक्सप्रेस इट सेल्फ इन प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ रिसेसिव करेक्टर जो अपने आपको एक्सप्रेस कर सके चाहे रिसेसिव करेक्टर वहाँ पर है या नहीं तो वो जो एक्सप्रेस करेगा अपने आप को हर हाल में दैट इज डोमिनेंट रेट एंड रिसेसिव करेक्टर इज करेक्टर विच हाइड इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट करेक्टर रिसेसिव करेक्टर कौन है जो कि डोमिनेंट करेक्टर के प्रेजेंस में हाइड हो जाएगा छुप जाएगा दैन वी डिस्कस वॉट इज जीनोटाइप एंड वॉट इज फीनोटाइप फिनोटाइप मीन्स फिजिकल एक्सटर्नल जो अपेयरेंस है वो फीनोटाइप होती है एंड जीनोटाइप मीन्स एक्चुअल जेनेटिक मेप कौन सा जेनेटिक कोड उसमें प्रेजेंट है वो उसका जीनोटाइप होता है ये सभी चीज़ें हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर ली थी आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर टू डेट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस वेरी इंपॉर्टेंट है ये इसमें हम देखेंगे कि मेंडल ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था तो मेंडल ने दो एक्सपेरिमेंट किए थे गार्डन पी पे वन इज मोनोहाइब्रिड एंड सेकेंड इज डाई हाइब्रिड क्रॉस इस पार्ट में हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे ही फोकस करेंगे ओके स्टार्ट करते हैं मेंडल स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट पी प्लांट पे उसने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे जिसे हम पाइसम सिटाइवम कहते हैं जो इसका साइंटिफिक नेम है याद करना है पाइसम सिटाइवम ही कंडक्टेड फर्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड देन डाई हाइब्रिड क्रॉस उसने दो तरह के एक्सपेरिमेंट किए थे पहले मोनोहाइब्रिड और देन डाई हाइब्रिड तो इस पार्ट में हम किसको स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस ठीक है cross, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट मोनोहाइब्रिड क्रॉस मोनो मींस वन और हाइब्रिड का मींस दो तरह के दो करेक्टर्स वाले प्लांट का जब हम फ्यूजन करा करके नई प्रोजाइनी बना रहे उसी को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं ठीक है थीके? और मोनोमीन्स वन यानी कि इस क्रॉस में इस तरह के क्रॉस पॉलिनेशन में हम एक सिंगल करेक्टर पे फोकस करेंगे यानी या तो हम प्लांट की हाइट को लेकर ही चलेंगे या हम सीड के कलर को ही लेकर चलेंगे एक ही करेक्टर पे हमें फोकस करना है तो ये क्या कहलाएगा दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस ठीक है तो हमने जो सेवन कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स देखे थे गार्डन पी प्लांट में उनमें से कोई एक करेक्टर को हम स्टडी एक बार में करेंगे ठीक है वो करेक्टर कोई सा भी हो सकता है तो हम देखते हैं मेंडल ने कैसे स्टार्ट किया अपना ये एक्सपेरिमेंट मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था टॉल और डॉआार्फ प्लांट के बीच में उसने लिए एक तरफ टॉल प्लांट और एक तरफ लिए डॉआार्फ प्लांट ठीक है प्योर टॉल एंड प्योर डॉआार्फ प्योर वर्ड से याद आ जाएगा आपको प्योर मीन्स होम हो जाएगा तो प्योर टॉल प्लांट ये होंगे जिनमें दोनों एल कैसे हैं सेम है ठीक है तो प्योर टॉल है तो दोनों एल कैपिटल आएंगे दोनों टॉलनेस के लिए आएंगे और इसका क्रॉस उसने कराया प्योर ड्वार्फ प्लांट से ठीक है तो इन दोनों के बीच में उसने क्या कराया हाइब्रिडाइजेशन और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो एक्सपेरिमेंट था उसे परफॉर्म किया तो देखते हैं स्टूडेंट्स व्हेन ओनली वन करेक्टर इज कंसीडर्ड कितना करेक्टर लिया उसने सिर्फ वन वाइल क्रॉसिंग टू ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो ऐसे क्रॉस को हम क्या कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसमें सिर्फ एक ही करेक्टर को हम कंसिडर करेंगे हम एक ही करेक्टर पे फोकस करेंगे मतलब हमने ये देखा कि एक प्लांट टॉल है और दूसरा डॉर्फ है अब उसके फ्लावर का कलर वगैरह जो भी है उसको हमें नहीं देखना है सिर्फ हमें उसकी हाइट को ही देखना है ठीक है ही टूक प्योर टॉल प्लांट जिसका जीनो होगा कैपिटल टी कैपिटल टी एंड प्योर ड्वार्फ प्लांट जिनका जीनो टाइप स्मॉल टी स्मॉल टी पी प्लांट्स एंड क्रॉस पॉलिनेटेड फर्स्ट जनरेशन और उनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया और फर्स्ट जनरेशन एक्वायर की ठीक है फर्स्ट जनरेशन को हम एफ वन जनरेशन भी कहते हैं ठीक है तो आपको पता है पॉलिनेशन हमने पढ़ा था कि जैसे इस प्लांट का फ्लावर है मान लीजिए यहाँ पर तो उसके जो एंथर है वहां से पॉलन ग्रेन उसने मान लीजिए दूसरे प्लांट के जो कि ड्वार्फ है है ना उसके जो फ्लावर की जो स्टिग्मा थी वहां पर लाया ठीक है तो ये क्या होगा क्रॉस पॉलिनेशन तो इसमें उसे क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं ठीक है तो हम देखेंगे स्टूडेंट ये हमारा प्योर टॉल प्लांट है जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी कैपिटल टी ठीक है और जो प्योर डॉर्फ प्लांट है ये हमारा दूसरा पेरेंट है जिसका जीनोटाइप होगा स्मॉल टी स्मॉल टी दीज आर पेरेंट्स ये पेरेंट्स हैं अब इनसे गैमेट्स कौन से बनेंगे तो स्टूडेंट आपको पता है जब गैमेट्स बनते हैं तो क्रोमोसोम्स हाफ ऑफ हो जाते हैं तो जब क्रोमोसोम्स हाफ ऑफ होते हैं तो हर जीन के जो एलील होते हैं उसमें से एक एलील एक गैमेट में जाएगा इस तरह से ठीक है तो इसके भी अगर हम गैमेट्स बनाएंगे तो वो इस तरह से बनेंगे तो दीज आर गैमेट्स ये क्या बन गए गैमेट्स अब हमें क्या करना है इनका कॉम्बिनेशन कराना है और देखना है क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं ठीक है ठीके? तो स्टूडेंट देखेंगे कैपिटल टी इसका एक गैमेट दूसरे पेरेंट के गैमेट से फ्यूज होगा तभी तो सेक्सुअल प्रश्न में हमें पता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होता है ठीक है तो आप किसी को भी मेल पार्टनर मान लीजिए किसी को भी फीमेल पार्टनर मान लीजिए यह हमने इनको क्रॉस कराया तो देखना कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है कैपिटल टी एंड स्मॉल ठीक है जो हम मिला रहे हैं ना बस उन्हीं अक्षरों को हमें लिखना है अब पहले हम फर्स्ट को लेके चल रहे हैं, तो हमने इसके फर्स्ट को इसके एक गैमेट से मिला दिया अब हम इसके दूसरे गैमेट से मिला रहे हैं क्या कॉम्बिनेशन बना कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ठीक है अब इसको तो हमने दोनों से क्रॉस करा दिया अब हम इस गैमेट को लेंगे तो ये वाला गैमेट इसके फर्स्ट से मिलाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी ओके अब इस वाले गैमेट को इसके सेकंड से फ्यूज़ कराएंगे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ठीक है कुछ भी नहीं करना पहले तो हमें गैमेट्स बना देने हैं उसके एक एक एलेल को सेपरेट कर देना है फिर दोनों के एक 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 बार दोनों के एलेल को लेके मिलाना है एक बार इन दोनों को मिलाया फिर इन दोनों को मिलाया फिर हम इसको लेंगे इसको पहले इससे मिलाया फिर इसको पहले इससे मिलाया तो चार पॉसिबिलिटी बन गई है तो देखेंगे सभी प्लांट का जीनोटाइप हमारा सेम आ रहा है सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है क्या आ रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी ठीक है ठीक है तो सेम टाइप का जीनो टाइप आ रहा है ये प्लांट कैसे होंगे हमें पता है कैपिटल टी टॉलनेस के लिए है ठीक है हमने प्रीवियस सेक्शन में भी इस चीज को समझा था तो हमें पता है टॉलनेस क्या है डोमिनेंट करेक्टर है इसलिए अगर ये आ गया तो इस ये ही शो होगा तो सभी प्लांट में कैपिटल टी प्रेजेंट है और वो डोमिनेंट करेक्टर है तो जो स्मॉल टी है डॉफनेस का जीन है वो कैसा है रिसेसिव है तो वो छुप जाएगा यहाँ पे तो प्लांट्स कैसे होंगे सभी ऑल प्लांट्स वर टॉल सभी प्लांट कैसे दिख रहे हैं इसमें टॉल फिनोटाइप है ये इसका ठीक है प्योर टॉल नहीं है वो इसके जैसे ध्यान रखेंगे ये प्योर टॉल था लेकिन ये कैसा टॉल है इसको हम हाइब्रिड टॉल भी कह सकते हैं और वी कैन से हेट्रोजाइगस टॉल ठीक है हाइब्रिड टॉल भी कह सकते हैं हाइब्रिड टॉल भी कह सकते हैं या हेट्रोजाइगस टॉल भी हम इसे कह सकते हैं लेकिन हमें ये पता लगा एक चीज़ क्या निकल के आई यहाँ पर कि जब हमने प्योर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर है टॉल एंड डॉर्फ और उनके प्योर पेरेंट लिए एक तरफ प्योर टॉल लिए एक तरफ प्योर डॉर्फ लिया तो जो फर्स्ट जनरेशन आई जिसको हम एफ वन जनरेशन भी कहते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन उसके अंदर सभी प्लांट हमें कैसे मिले टॉल यानी कि डोमिनेंट करेक्टर ही शो हुआ तो यहीं से जो मेंडल का पहला लॉ है वो निकल के आएगा पहले हम इसके कंक्लूजन को एक बार देखते हैं क्या कंक्लूजन था इन दिस फिगरेशन ही ऑप्टेन ओनली टॉल प्लांट्स। एफ वन जनरेशन में कौन से प्लांट मिले उसे सिर्फ टॉल प्लांट मिले ठीक है दिस मीन्स दैट ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वॉज सीन पेरेंटल ट्रेट दो थे एक पेरेंट ट्रॉल था एक पिलेंट डॉर्स था लेकिन एक ही पेरेंट का करेक्टर यहाँ पे दिखाई दिया ठीक है नॉट मिक्सचर ऑफ टू दो का मिक्सर नहीं दिखा कि चार में से आधे हमारे टॉल थे आधे डॉर्स थे सिर्फ एक ही करेक्टर हमें फर्स्ट जनरेशन में दिखाई दिया ठीक है सो so, हम क्या कह सकते हैं यहाँ टॉलेंस इज द डोमिनेंट ट्रेट क्योंकि हमें सिर्फ टॉल का कर, करेक्टर दिखाई दिया इसका मतलब टॉलनेस क्या है डोमिनेंट ट्रेट है ठीक है एंडनेस इज रिसेसिव ट्रेट तो ये एक्सपेरिमेंट में उसे रिजल्ट मिला था ठीक है ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया कि टी डोमिनेंट है इसलिए टॉल है जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया इसको समझेंगे थोड़ा ध्यान से कि मेंडल ने जीन को एक्चुअल में देखा नहीं था माइक्रोस्कोप से उसको कैसे पता लगा कि टॉलनेस डोमिनेंट है ओवर डॉनेस तो मेंडल ने एक्चुअल में किया क्या था उसने टॉल प्लांट्स लिए थे कुछ अब उसे कैसे पता ये प्योर टॉल है उसने पहले इसी की कुछ जनरेशन बनाई सेल्फ पॉलिनेशन करके और देखा टॉल ही टॉल प्लांट्स आ रहे हैं टॉल ही टॉल प्लांट्स आ रहे हैं दो तीन जनरेशन तक तो इसका मतलब ये प्योर टॉल है ठीक है तभी तो ये टॉलनेस ही करेक्टर दे पा रहा है अगर ये प्योर टॉल नहीं होता तो कोई सा एक प्रोजाइनी हमारा ड्वार्फ मिलता किसी ना किसी जनरेशन में एफ वन में नहीं तो एफ टू में तो मिलता तो उसने इस तरह से सेल्फ पॉलिनेशन करके पहले चेक किया कि ये जो प्लांट वो ले रहा है वो कैसे है प्योर टॉल है इसी तरह उसने कुछ डॉर्फ प्लांट लिए और पहले उनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया दो तो तीन जनरेशन तक और देखा कि सभी प्लांट डॉर्फ मिल रहे हैं उसे कंटिन्यूसली और यहाँ पे टॉल मिल रहे थे तो उसने क्या माना इसका मतलब ये क्या है प्योर टॉल है ठीक है और ये क्या है ये प्योर ड्वार्फ है ठीक है अब उसने इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया यानी क्रॉस पॉलिनेशन कराया जिसे हम क्रॉसिंग भी कह सकते हैं और ऐसे शो करते हैं और फिर उसने देखा कि जो प्लांट्स उसे मिले थे वो सभी दिखने में टॉल थे ठीक है तो इसके बाद उसने कंक्लूज़न निकाला कि इसका मतलब एक ही करैक्टर दिखता है और वो कैसा होता है वो डोमिनेंट होता है ठीक है तो अगर हम प्योर पेरेंट्स लें कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर वाले और उसकी क्रॉस करवा के उसका क्रॉस पॉलिनेशन करा के फर्स्ट जनरेशन अगर हम बनाए तो हमें एक ही करेक्टर उसमें दिखाई देता है और वो करेक्टर कैसा होता है डोमिनेंट होता है और जो करेक्टर छुप जाता है वो क्या होता है वो रिसेसिव होता है ये मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कंक्लूजन निकाला ठीक है तो यहां से उसका एक लॉ निकल के आया दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस यहां से उसने दिया लॉ ऑफ़ डोमिनेंस क्या दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस वेन टू पेरेंट्स विथ प्योर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर आर क्रॉस दो पेरेंट्स जिनके अंदर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर हैं और प्योर हैं ठीक है थीके? जब उनको क्रॉस किया जाएगा इन एफ वन जनरेशन इन फर्स्ट फीलियल जनरेशन ओनली वन कैरेक्टर इज शोन एंड अनदर इज हाइट फर्स्ट जनरेशन में एक ही करेक्टर दिखाई देगा और दूसरा छुप जाएगा एंड दैक्टर विल शोन एज डोमिनट करेक्टर और जो करेक्टर दिखाई देगा उसको ही उसने क्या नाम दिया डमिनेंट करेक्टर और यहीं से ये नियम क्या बन गया लॉ ऑफ डोमिनंस यानी ये नियम बताता है कि अगर हम प्योर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर वाले पेरेंट्स को क्रॉस कराएंगे तो पहली जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट करेक्टर ही शो होगा रिसेसिव करेक्टर छुप जाएगा ठीक है देखेंगे वैन पेरेंट्स हैविंग प्योर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स प्योर वर्ड पे बार बार फोकस कर रही हूँ मैं तो ध्यान रखना है इस क्रॉस में हमें देखना है कि जो हमने क्रॉस कराया है ना वो प्योर टॉल या होमोजाइगस टॉल और दूसरी तरफ प्योर डोर्फ होना चाहिए ठीक है देन ओनली वन कैरेक्टर एक्सप्रेस इट्सैल्फ इन एफ वन जनरेशन एफ वन जनरेशन में सिर्फ एक ही करेक्टर दिखाई देता है दिस करेक्टर इज द डोमिनेंट करेक्टर और वो कैरेक्टर कैसा है dominant, करैक्टर और वी कैन से फैक्टर विच कैन नॉट एक्सप्रेस जो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा इट सेल्फ इज कॉल्ड रिसेसिव करेक्टर वो क्या है रिसेसिव करेक्टर है यही क्या था हमारा मेंडल का फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ डोमिनेंस ठीक है अब एक चीज आपके दिमाग में आई होगी कि इसके क्रॉस से हमें सारी प्रजाइनी ऐसी मिली ये टॉल थी दिखने में ठीक है क्योंकि रिसेसिव करैक्टर तो था वो इसकी प्रेजेंस के कारण डोमिनेंट की प्रेजेंस के कारण हाइड हो गया छुप गया ठीक है ये बात आई समझ तो अब इसका क्या हुआ आगे जा के मेंडल के दिमाग में ये भी था अभी पूरा नहीं हुआ है कंप्लीट मोनोहाइब्रिड क्रॉस अभी सिर्फ इसमें एक जनरेशन ऑब्टेंड की है ठीक है और उससे ये लॉ निकल गया है अभी हम देखेंगे नेक्स्ट जनरेशन में इसका क्या होता है और क्या ये ड्वार्फनेस वाला करैक्टर कहीं छुप जाता है कि हमेशा के लिए या आगे जाके कहीं दिखता है ठीक है तो क्या किया उसने द प्लांट ऑफ एफ वन जनरेशन और क्या किया जो एफ वन जनरेशन में प्लांट्स बने थे ऐसे बने थे ना सारे ही तो इनमें से कोई दो प्लांट को से क्रॉस कराना है अब क्रॉसिंग के यहाँ पे हम एक वर्ड कहेंगे सैलसिंग. क्योंकि एक ही जैसे है ना तो इसका मतलब एक में ही सेल्फ पॉलिनेशन लो तो नेक्स्ट जनरेशन आ जाएगी एक जैसे ही तो है ये तो क्या कराई उसने अब सेल्फिंग अभी पहले क्या कराया था उसने क्रॉस पॉलिनेशन अब क्या कराएगा वो सेल्फ पॉलिनेशन विच वी कैन कॉल सेल्फिंग जिसको हम सेल्फिंग भी कहते हैं ठीक है और ये कौन सी जनरेशन है एफ वन जनरेशन है या प्रोजाइनी भी कहा है उसने पेरेंटल जनरेशन थी जो सबसे पहले हमने ली थी तो उसका यह प्रोजाइनी है अब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन करा के उसे क्या बनाना है एफ टू जनरेशन तो देखेंगे यहां पर भी गैमेट्स बनेंगे ठीक है तो इसको क्रॉस कराना जरा देखना कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी और ये स्मॉल टी ठीक है अब देखेंगे इसको हमने दोनों से मिला दिया अब इस वाले गैमेट को दूसरे पेरेंट के गैमेट से मिलाना है कैपिटल टी स्मॉल टी और लास्ट में दोनों स्मॉल टी तो ये जनरेशन आई दूसरी जिसको हम क्या कहेंगे F2 टू जनरेशन ठीक है अब क्या इस जनरेशन में भी सारे प्लांट टॉल हैं क्या देखना दिस इज प्योर टॉल ये प्योर टॉल है ये दोनों प्योर टॉल तो नहीं है बट दे आर ऑल्सो टॉल ये भी टॉल ही होंगे तो अगर हम सिर्फ फिनो की बात करें तो ये तीन प्लांट क्या हैं हमारे टॉल हैं और ये का कैसा बन गया दोनों रिसेसिव ट्रेट जब साथ में आएंगे तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ डोमिनेंट ट्रेट एब्सेंट एक है अभी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं तो यानी यहाँ पर एक प्लांट हमें ड्वार्फ भी मिला तो हम कह सकते हैं अगर हम 100% इसको पूरे को माने तो ये 75% कितने कि ऐसे हुए टॉल हुए और 25% कैसे हुए ड्वार्फ हुए ठीक है यानी कि वो जो करेक्टर था डॉफनेस वाला वो हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है सिर्फ डोमिनेंट के कारण वो अपने आप को दिखा नहीं पा रहा था जब वो सेपरेट होगा और उसको कोई ऐसी प्रॉसिबिलिटी मिलेगी जहाँ पे वो बिना डोमिनेंट करेक्टर के अपने कॉम्बिनेशन बना रहा है तो वहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है अब ये जो हमने क्रॉस किया है इसको एक और मेथड से हम शो कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड चेकर बोर्ड मैथड ठीक है और वी कैन से पुनिट स्क्वायर मैथड ठीक है तो देखेंगे वही चीज है जो मैंने अभी आपको बनाई लेकिन मैं ये थोड़ा सा मेथड इस तरह का स्क्वायर बना के प्यूनिट स्क्वायर कहते हैं इसको या चेकर बोर्ड भी कह सकते हैं इस तरह से भी हम इसको दिखा सकते हैं ये हमारी एफ वन जनरेशन थी है ना ठीक है इसमें हमने क्या कराया सेल्फ पॉलिनेशन कराया ठीक है तो देखेंगे एक तरफ फीमेल गैमेट बता दिए हैं टी, -टी इससे गैमेट हम बनाएंगे अभी हमने बना के देखे थे तो ये इस तरह से सेपरेट से होंगे एल एक में ही आएगा एक में तो दो ये दो तरह के गैमेट बने ठीक है ऐसे ही मेल प्लांट में भी दो तरह के गैमेट बनेंगे अब हमें इनको मिलाना है तो हम इस तरह से लाइन खींच के इसका फ्लो चार्ट ना बना करके हम इस तरह से भी कर सकते हैं तो देखेंगे टी टी कैपिटल टी कैपिटल टी अब मैं इसको मिला रही हूँ इससे कैपिटल टी आया यहाँ से और स्मॉल टी आया यहाँ से अब इसको मिलाएंगे पहले इससे तो कैपिटल टी स्मॉल टी अब आप सोचेंगे पहले स्मॉल टी क्यों नहीं लिखा वो ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है पर जनरली हम कैपिटल को पहले ही लिखते हैं ठीक है तो आप देखेंगे स्मॉल टी स्मॉल टी तो वही फोर प्लांट हमें मिल गए देखना ये टॉल है दिस इज ऑल्सो टॉल ये प्योर टॉल है ये दोनों भी टॉल हैं लेकिन कैसे टॉल हैं ये स्टॉल और वी कैन से हाइब्रिड टॉल ठीक है तो हमें अगर हम रेशियो बनाए तो टॉल प्लांट कितने मिले तीन मिले चार में से और ड्वार्फ कितने मिले तो ये बन गया इसका फिनो टाइप रेशियो ठीक है या हम कह सकते हैं अगर हम परसेंटेज निकालें तो फोर में से थ्री यानी आपको पता लगा सेवेंटी फाइव परसेंट तो क्या है टॉल है और 25 परसेंट क्या हैं ड्वार्फ हैं ठीक है अगर हम बनाए जीनो टाइप रेशियो तो जीनो टाइप एक जीनो टाइप ये अलग है ये दोनों सेम है और ये एक अलग है तो देखना जीनो टाइप क्या बना टी टी इन तीनों का रेशियो बनाना है तो देखना दोनों कैपिटल टी कितने आ रहे हैं यहां एक आ रहा है वन इस तरह की प्रोजाइनी कितनी बन रही है दो बन रही है कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे कॉम्बिनेशन दो बन रहे हैं और दोनों स्मॉल वाले कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ए तो रेशियो गया वन रेशियो टू रेशियो वन ठीक है तो ये हमारा एफ टू जनरेशन का जो रिजल्ट है वो है ठीक है और एफ टू जनरेशन में हमने देखा कि वाला करेक्टर जब गैमेट बनते हैं तब बिल्कुल इससे सेपरेट होकर आगे जाके अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है ठीक है तो एक बार हम कंक्लूजन देखेंगे एक बार वापस से नाउ आर प्लांट्स वर नॉट टॉल सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ सभी so, प्लांट टॉल नहीं थे ही टॉल सेवेंटी फाइव परसेंट टॉल थे अभी देखा हमने ठीक है दोनों मेथड से देखा हमने फ्लो चार्ट बना के भी देखा और प्यूनिट स्क्वायर मेथड से भी हमने देख लिया तो 75 परसेंट टॉल थे और 25 परसेंट डॉ थे और वीकेंड से फिनोटाइप रेशियो क्या हुआ इसका थ्री रेशियो वन अभी करके देखा था हमने और इसका जीनोटाइप रेशियो क्या हुआ अगर हम तीनों जीनोटाइप को देखेंगे वन रेशियो टू रेशियो वन इंपॉर्टेंट है ये फिनोटाइप रेशियो और जीनो रेशियो पूछे जाते हैं ठीक है अभी हमने एग्जाम्पल टॉल और ड्वार्फ का लिया है हो सकता है एग्जाम्पल एग्ज़ाम में आपको कोई दूसरा आ जाए उसमें फ्लावर का कलर ले ले कि पर्पल और व्हाइट पर्पल के लिए आपको जीनो टाइप बता दे कैपिटल पी कैपिटल पी वाइट के लिए बता दे स्मॉल पी स्मॉल पी और आपको ऐसे ही फ्लो चार्ट

फीनोटाइप रेशियो क्या आया और जीनोटाइप रेशियो क्या आया तो हमने देखा फीनोटाइप रेशियो थ्री रेशियो वन आया और जीनोटाइप रेशियो क्या आया प्योर टॉल तो आए वन जिसको हम कैपिटल टी कैपिटल टी कह रहे हैं हाइब्रिड टॉल यानी कैपिटल टी स्मॉल टी ये कितने आए दो और प्योर ड्वार्फ कितना आया 1 तो रेशियो क्या हो गया हमारा कैपिटल टी ये कैपिटल टी स्मॉल टी और ये दो इन तीनों का अगर हम रेशियो निकाले तो क्या आया वन रेशियो टू रेशियो वन आई बात समझ में दोनों इंपॉर्टेंट है फिनोटाइप रेशियो और जीनो टाइप रेशियो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो जब दोनों जनरेशन बना लेते हैं ना तब हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट होता है अब जब हमने F1 वन जनरेशन निकाली थी तब एक लॉ निकल के आया था उससे लॉ ऑफ डोमिनेंस अब F2 टू जनरेशन भी एक लॉ को बता रही है और वो लॉ क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है ये लॉ पहले समझेंगे सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट होना तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहता है कि एफ वन जनरेशन में एक डोमिनेंट एल और एक रिसेसिव एल साथ में थे लेकिन जब उनसे गैमेट फॉर्मेशन होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में थे लेकिन जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो वो एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे ठीक है और नेक्स्ट जनरेशन में जो वो ड्वार्फनेस वाला करेक्टर है वो अपने आप को शो करेगा यानी कि कह मतलब समझने की बात ये है कि यहाँ पे ये दोनों एक साथ रह रहे थे एफ वन जनरेशन में ये दोनों एक साथ हैं और ये अपने आप को शो नहीं कर पा रहा इसके कारण लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इसमें मिक्स हो गया हमेशा के लिए जब गैमेट बनेंगे तो ये एक दूसरे से पूरी तरह सेपरेट हो जाएंगे अब ये अपना ड्वार्फ ही है इसमें इसका कोई करेक्टर मिक्स नहीं हुआ है कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई है यहाँ आई बात समझ में तो जब ये आगे जाएगा तो अगर इसको यही कॉम्बिनेशन मिल जाएगा तो ये अपना करेक्टर शो कर सकता है दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ फैग्रिगेशन या इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं क्योंकि ये लॉ क्या रहा है कि गैमेट जो बना है वो अपने आप में प्योर है या तो कैपिटल टी ही होगा या स्मॉल टी ही होगा गैमेट में ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा सा कैपिटल टी का असर आ गया थोड़ा सा स्मॉल टी का असर आ गया ठीक है तो इसका एक नाम ये भी है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स ठीक है समझेंगे इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेग्रीगेटेड कंप्लीटली कंप्लीटली सेग्रीगेट हो गए हैं एक दूसरे से अलग हो गए ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स विदाउट एनी मिक्सिंग ऑफ एल एस यानी एल एल में कोई मिक्सिंग नहीं हुई है यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो कि मेंडल का सेकेंड लॉ है जिसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं और ये एक यूनिवर्सल लॉ है मेंडल का ये भी याद रखना है क्योंकि जो फर्स्ट और थर्ड लॉ हम पढ़ेंगे ना उसके कुछ एक्सेप्शन हैं लेकिन इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है ये हर जगह फॉलो होगा ठीक है ऐसे भी कह सकते हैं इस लॉ को कि जो कोई भी एक जीनो है उसमें एक जीन के दो एह एल होते हैं लेकिन जब गैमेट बनता है तो वो किसी एक ही एल को पास कर सकता है दोनों को नहीं बेच सकता गैमेट में दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और आप ये भी कह सकते हैं बहुत सिंपल ये लैंग्वेज है ट्रेड गैट सेग्रीगेट सेपरेट कंप्लीटली कंप्लीटली एक दूसरे सेपरेट हो जाएंगे ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन विदाउट एनी मिक्सिंग ऑफ एलिल यहाँ पर एलिल में आपस में कोई मिक्सिंग नहीं हुई है ठीक है ये क्या था हमारा मेंडल का सेकेंड लॉ ठीक है आई बात समझ में तो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को करके दो लॉ दिए थे फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकेंड इज लॉ ऑफ सेग्रेगेशन ठीक है अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शोज दैट ट्रेट में बी डोमिनेंट एंड रिसेसिव मेंडल का एक्सपेरिमेंट कैसे शो करता है कि ट्रेट डोमिनेंट भी हो सकता है और रिसेसिव भी हो सकता है तो बहुत सिंपल है अभी हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जब एफ़ वन जनरेशन बनाई थी तो हमने क्या देखा था उसने प्योर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर लिए थे एक डोमिनेंट वाला लिया था प्योर टॉल एक प्योर डॉर्फ लिया था और एफ़ वन जनरेशन बनाई थी अभी मान लीजिए हमें नहीं पता कि टॉल डोमिनेंट है या डॉर्फ क्या है हमने सिर्फ देखा कि प्योर टॉल लिया और प्योर डॉर्फ का हमने क्रॉस कराया और F1 जनरेशन हमने ली तो हमने देखा F1 जनरेशन में ऑल प्लांट्स वर टॉल सभी प्लांट क्या थे टॉल ठीक है तो इसका मतलब उसको समझ में आ गया कि एक करेक्टर दिख रहा है एक करेक्टर नहीं दिख रहा है यानी जो दिख रहा है वो कैसा है डोमिनेंट है 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 जो नहीं दिख रहा वो कैसा है? रिसेसिव है। फिर उसने उसकी F2 टू जनरेशन बनाई तो वहां भी उसने क्या देखा कि 75% अभी भी टॉल हैं और 25% फाइव हैं यानी कि जो ज्यादा मेजर दिखाई दे रहा है एफ जनरेशन में तो कंप्लीटली वही करेक्टर दिख रहा है और F2 टू जनरेशन में भी वो 75 परसेंट दिख रहा है यानी कि वो कैसा करेक्टर है डोमिनेंट है और जो रिसेसिव है वो बहुत कम चांस में अपने आप को शो कर पा रहा है, यानी वो कैसा है रिसेसिव है डोमिनेंट की प्रेजेंस में अपने आप को शो नहीं कर सकता तो इस तरह से मेंडल ने इस चीज को प्रूव किया ठीक है तो देखेंगे द ट्रेट विच अपियर इन ऑल द मेंबर ऑफ एफ वन जनरेशन एफ वन जनरेशन के ऑल मेंबर्स में जो करेक्टर शो हो रहा था एंड ऑल्सो इन सेवेंटी फाइव परसेंट मेंबर्स ऑफ एफ टू जनरेशन एफ टू जनरेशन के भी सेवेंटी फाइव नंबर्स में क्या था वो करेक्टर था ठीक है बाय सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो हमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन से मिला था एफ वन जनरेशन की ठीक है तो देखेंगे एफ वन जनरेशन में जो सभी मेंबर थे उनमें एक करेक्टर दिखाई दे रहा था और जब हमने F1 वन जनरेशन का सेल्फ फर्टिलाइजेशन करके F2 टू जनरेशन बनाई तो उसमें भी 75 परसेंट नंबर किसके थे उसी करेक्टर के थे तो वो करेक्टर क्या है दैट इज डोमिनेंट करेक्टर वो डोमिनेंट करेक्टर है और जो शो नहीं हो पाया था F1 वन जनरेशन में और F2 में 25 फाइव परसेंट ही शो हो रहा है वो कैसा है रिसेसिव है ट्रेड विच डज नॉट एपियर इन एफ जनरेशन बट आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ एफ जनरेशन रीअपेयर ट्वेंटी फर्टिलाइजेशन जब हमने किया एफ वन जनरेशन का तो ट्वेंटी फाइव परसेंट वो शो हुआ एफ टू जनरेशन में एंड इज नोन एज रिसेसिव वो कैसा करेक्टर है दैट इज रिसेसिव कैरेक्टर है ये मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया ठीक है तो स्टूडेंट आज के पार्ट में हमने क्या क्या देखा एक बार रिवाइज करेंगे उसको रिकॉल करेंगे हम हमने देखा मेंडल ने मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किए थे हमने इस पार्ट में पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे फोकस किया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस मीन्स जिसमें हम सिंगल करेक्टर को लेकर के उसकी स्टडी करते हैं तो हमने देखा मेंडल ने प्योर टॉल प्लांट लिए या होमोजाइगस टॉल भी कह सकते हैं एक तरफ उसने होमोजाइगस जाइाइगस प्लांट लिए दोनों का उसने क्रॉस कराया तो फर्स्ट जनरेशन में उसे सभी प्लांट टॉल मिले ठीक है तो उसने इससे क्या बनाया लॉ ऑफ डोमिनेंस इस आधार पर उसने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया जो लॉ क्या कहता है कि वैन पेरेंट्स विद प्योर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स आर क्रॉस दैन ओनली वन करेक्टर विल शोन इन एफ वन जनरेशन एंड दैट इज डोमिनेंट करेक्टर उसने बताया जब प्योर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर वाले पेरेंट्स का हम क्रॉस कराएंगे तो फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ एक ही करेक्टर शो होगा दैट इज डॉमेंट कैरेक्टर इसी को क्या कहा उसने लॉ ऑफ डोमिनेंस फिर उसने क्या किया जो एफ वन जनरेशन में जो हाइब्रिड टॉल हमें मिले थे ठीक है एफ वन जनरेशन में जो हाइब्रिड टॉल हमें मिले थे उसने उसका क्या कराया सेल्फ पॉलिनेशन कराया और एफ टू जनरेशन में उसे सेवेंटी फाइव परसेंट तो मिले थे टॉल प्लांट और ट्वेंटी फाइव परसेंट मिले उसे डॉ प्लांट या हम थ्री रेशियो वन भी कह सकते हैं ठीक है और जीनोटाइप टाइप रेशियो क्या था वन रेशियो टू रेशियो वन तो इस बेस पे उसने जो सेकेंड लॉ था वो दिया दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो क्या कहता है वैन गैमेट्स आर फॉर्म एल्स बिकम सेपरेटेड कंप्लीटली जब गैमेट बनेंगे तो जो हाइब्रिड जो हमारा था जो हाइब्रिड वाला कॉम्बिनेशन था उससे जो एल हैं वो कम्प्लीटली सेपरेट हो जाएंगे यानी कि एक गैमेट में एक ही टाइप का एल एल एक ही तरह का करेक्टर हो सकता है इसीलिए हमने इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा ठीक है तो स्टूडेंट ये हमने आज के चैप्टर में आज के पार्ट में समझा आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसकी प्रैक्टिस करेंगे और भी करेक्टर्स लेके हम इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम फोकस करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग तब तक इसका अच्छे से रिविजन करेंगे थैंक यू